हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा। दोस्तों, नबार्ड ग्रेड ए का फेज वन आप लोग दे चुके हो। 7 सितंबर को आपका पेपर था और आज हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एआरडी सेक्शन के। पहले इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर 7 सितंबर को पेपर हुआ, आप 9 सितंबर को क्या लेकर के आ रहे हो। यूट्यूब पर ऑलरेडी सब लोगों ने अपना आंसर कीज वगैरह जो है वो डिस्कस कर दिया है। तो बेटा, दिस इज नॉट जस्ट टू डिस्कस द आंसर की, ठीक है। यहाँ पर जो मोटिव है वो ये है कि हम समझें कि क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया था, फिर हम ये समझें कि आंसर्स को कैसे हमें अल्टीमेटली पढ़ना होता है, ठीक है, या किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना होता है और क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए आगे के समय में। प्लस ये क्वेश्चंस को हम सिर्फ इस तरीके से नहीं लेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, आंसर बता दूं और हम फटाफट से आगे चल लें। वो वाली अप्रोच नहीं रहेगी। अगर वो वाली अप्रोच फॉलो करनी होती तो अल्टीमेटली इसके अंदर हम भी साथ को ले आते, बट पेशेंस के साथ आराम से देख करके पेपर को एनालाइज करके फिर हमने ये भी देखा कि जो हमने 2000+ MCQ कोर्स बनाया था, ठीक है, 2000+ MCQ कोर्स में से कितने क्वेश्चंस हमारे जो हैं AID सेक्शन के अंदर पूछे गए। और मुझे इसको बिल्कुल भी बताने के अंदर शंका नहीं है कि जिन बच्चों ने अगर वो 2000+ MCQs के अंदर जितने टेस्ट्स डले थे, 60 से ऊपर टेस्ट्स उसके अंदर डले हैं, तो जिन बच्चों ने वो टेस्ट किए हैं उनको ईजिली ये देखने को मिला होगा कि आराम से 30 के अराउंड क्वेश्चंस डायरेक्टली जो हैं उन 2000+ MCQs में थे, जो एक बहुत अच्छा परसेंटेज जिसको मैं मानता हूँ। ओके, सो डेफिनेटली, लेकिन उसके अंदर भी मैं कई बच्चों को बताना चाहूँगा। जैसे एक दो बच्चों से मेरी बात हुई तो वो कहते कि सर क्वेश्चंस हमने टेस्ट किए पर क्वेश्चंस हमें लगा कि उसमें से नहीं है। मैंने पूछा कितने टेस्ट किए, कई बच्चे थे, तो किसी ने कहा कि हमने 5 टेस्ट किए थे, किसी ने कहा कि हमने 10 टेस्ट किए थे। तो बेटा, जब आपको 2000+ MCQ दिए जा रहे हैं, ठीक है, 2000 MCQ भी अगर आप लेकर के चलो, तो उसमें अगर आप सिर्फ 5 या 10 टेस्ट करोगे, 30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट है, तो उसके अंदर फिर आप 100 या 150 क्वेश्चन में से सोच करके चलो कि 30 क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उसका तो कोई जरिया नहीं है। और यूट्यूब के ऊपर जितने हमने लेक्चर्स किए करंट अफेयर्स के या जो भी वीडियोज थे, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर किसी ने रिलीजियसली उन वीडियोस को देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कान घुमा करके, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो उसके अंदर थे, तो वो सारे क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। इवनिंग शिफ्ट 2 पार्ट में देखेंगे, फिर मॉर्निंग शिफ्ट 2 पार्ट में देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। अल्टीमेटली दिस इज नॉट जस्ट कि आपको अपना, जिन बच्चों ने नबार्ड दे दिया उनको आइडिया लग जाए, फेज टू के अंदर भी आपको जो फेज वन के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो क्लियरली आपको आइडिया होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि अगेन फेज टू में सिमिलर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका IBPS AFO का एग्जाम है, FCI का एग्जाम है, तो इन एग्जाम्स के अंदर आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, नबार्ड ग्रेड बी के अंदर क्या अप्रोच फॉलो करनी है, उन सब का भी आइडिया कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर एक अप्रोच है जो हमको फॉलो करनी है। चलो, तो PDF इसका टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो आपकी इच्छा करे। MCQ कोर्स अभी भी आप परचेज कीजिए और इसके ऊपर करेंटली हम 50% ऑफ जो है वो भी रन कर रहे हैं, ठीक है। सो 50% ऑफ के लिए आपको जो डिस्काउंट कोड यूज करना है वो, एक सेकेंड का समय मुझे दीजिएगा, वो डिस्काउंट कोड है आपका हैप्पी 50। अगर आप IBPS AFO या किसी और एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और धीरे धीरे इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, आप देखोगे अभी 2000+ है और थोड़े टाइम बाद इसके अंदर 3000, 4000, 5000 तक का भी मेरा टारगेट है कि हम इसके अंदर क्वेश्चंस डाल दें कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट, कि वो क्वेश्चंस अगर कोई कर ले तो उसी से उसका पूरे का पूरा कवर हो जाए। तो डेफिनेटली प्राइस यही आने वाले समय में इसका बढ़ेगा। जब 3000 हो जाएंगे तो थोड़ा रेज करेंगे, फिर जब 4000 हो जाएंगे और रेज करेंगे। बट अगर आप आज अभी जिसने 2000+ खरीदा हुआ है जिस प्राइस में, उसके लिए वही रहेगा, ठीक है, उसको फिर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। पहला क्वेश्चन सिंपल सा था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट
और हायर सेकेंडरी स्कूल और हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्टिविटी बिल्डअप करने के लिए भारत सरकार की कौन सी स्कीम चल रही है? ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिविटी एक क्रिएट करने की बात हो रही है। देखो ये मेरे हिसाब से एक सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था करंट अफेयर का, इसको मैं मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको क्यों रखूंगा, क्योंकि देखो कीवर्ड अल्टीमेटली अगर आपने जो ऑप्शंस के अंदर स्कीम्स गिवन थी और जो क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा करंट अफेयर्स को पढ़ा है, स्कीम्स वगैरह को पढ़ करके गए हो, तो आप इसको बहुत इजीली इसके अंदर कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकते हो। एक तो कनेक्टिविटी इसके अंदर कीवर्ड था, दूसरा इसके अंदर कीवर्ड था रूरल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर रूरल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम हो गई। ठीक है, तो रूरल कनेक्टिविटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, जो बेंचमार्क स्कीम है सरकार की, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो अपने थर्ड फेज में है, ये आज की शुरू हुई स्कीम नहीं है, ये बहुत पहले स्कीम शुरू हो गई थी अराउंड 2001 के अंदर, तो ये थर्ड फेज अभी चल रहा है। अलग अलग फेजेस के अंदर इसके अलग अलग टारगेट्स रहे हैं, तो ये यहाँ पर था। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर मैं बात करूं, ये डेफिनेटली जो स्कीम है ये नबार्ड वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, कि अभी जब आपका अगले महीने मेंस होगा, फेज टू होगा, उसके अंदर भी डेफिनेटली आपको ये स्कीम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के अंदर एलिमेंट पूछा जा सकता है, प्लस जो IBPS AFO वगैरह का बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला चरण यानी कि फेज वन दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस भी कई बार वो पूछ लेता है कि कौन से साल के अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। 100% इसके अंदर जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फेज वन के अंदर इन्होंने क्या बोला, फेज वन के अंदर इन्होंने बोला कि अराउंड 1,35,436 हैबिटेशंस को हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर अराउंड 3.68 लाख किलोमीटर की रोड जो है वो बनाई जाएगी, रूरल रोड, जिससे फार्म टू मार्केट कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, खेतों से जो किसान है वो मंडी तक अपना सामान इजीली लेकर के जा सके। फिर फेज टू सरकार ने बोला कि हम 2013 में लॉन्च कर रहे हैं, और इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो एग्जिस्टिंग रोड्स बनी हुई हैं, रूरल रोड्स के हाल, रोड तो बन गई थी पर उन रोड्स के हालात बहुत बुरे थे, तो सरकार ने कहा कि हम एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए 50,000 किलोमीटर की जो रूरल, जो एग्जिस्टिंग रूरल रोड है उसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखो PMGSY फेज टू शुरू हो गया, इसका मतलब ये नहीं था कि फेज वन खत्म हो गया। फेज वन के अंदर जो टारगेट रखा गया था वो भी चल ही रहा था, ठीक है, वो चल रहा था, साथ ही साथ फेज टू उन्होंने लॉन्च कर दिया जिसके अंदर अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे। ओके, फेज टू के अंदर जो कॉस्ट शेयरिंग थी वो सेंटर और स्टेट के बीच में रही, यानी कि जो रिपेयरिंग वाला काम था उसमें सेंटर ने कहा कि स्टेट्स को आप अपना भी शेयर इसके अंदर डालिए। फिर फेज थ्री आया, फेज थ्री 2019 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। अब इसके अंदर फेज थ्री में क्या बोला गया कि जो ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं, जिसको आप ग्राम बोलते हो, बेसिकली ग्राम्स क्या होते हैं, ये रिटेल एग्रीकल्चरल मार्केट होती है रूरल एरियाज के अंदर, जो फार्मर के, जो किसान के खेत के पास ही एक एग्रीकल्चरल मार्केट है। पहले क्या होता था, शहरों में मंडियों में जाना पड़ता था, अब क्या है, विलेज एरिया में ही आपको आसपास में मिल जाएगी, ताकि फार्मर के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो। तो इन ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स के साथ प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ, तो यही आपका क्वेश्चन था कि ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ कनेक्टिविटी, तो PMGSY। ओके, इसके अंदर क्या प्रपोज किया गया कि 1,25,000 किलोमीटर का रोड लेंथ जो है स्टेट्स के अंदर उसको कंसोलिडेट करेंगे, और इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है 2019 से लेकर 1920 से 2024-25 तक। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि फेज टू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी इस स्कीम में से बन सकते हैं, और ये बिल्कुल भी सोच करके मत चलिएगा कि अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में से फेज वन में क्वेश्चन आ गया तो फेज टू में वो नहीं पूछेगा, ऐसा कोई भी कहीं पर कोई रूल नहीं लिखा है। इनफैक्ट जब अपने को पता चल गया कि आ गया, तो वो वाला पार्ट तो अपने को अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि उसमें से वो दोबारा पूछ ले। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूं कि अल्टीमेटली ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे सब्जेक्टिव का, ट्रेस द सक्सेस और फेलियर ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मैं आपको रैंडमली एक ऐसी क्वेश्चन साथ के साथ फ्रेम करके बता रहा हूँ, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है।
एवोल्यूशन पूछ सकता है रूरल कनेक्टिविटी का। अगर रूरल कनेक्टिविटी या रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना वो आंसर आपका अधूरा रहेगा, तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन था नोडल एजेंसी फॉर सी फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो आप ना कर पाओ, है ना। सो द आंसर इज एम्पेडा। अब अगर आप देखोगे ना, एग्जामिनर कई बार क्या करता है, एक सोर्स खोलता है, एग्जामिनर भी क्वेश्चन ढूंढने के लिए सोर्सेज खोलता है, और कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एम्पेडा की वेबसाइट पे चला गया, जिसने पेपर बनाया होगा वो एम्पेडा की वेबसाइट पे चला गया। अब वो जब वो एम्पेडा की वेबसाइट के ऊपर पहुंचा ना, वहां पर उसको दो तीन क्वेश्चन का मटेरियल मिल गया, उसने दोनों तीनों क्वेश्चन उठा करके आपके पेपर में डाल दिए। एम्पेडा में से ही दो क्वेश्चन आपको इस पेपर के अंदर बड़े इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। सो एम्पेडा मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नोडल एजेंसी है सी फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सो नोडल एजेंसी है एम्पेडा, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सी फूड इंडस्ट्री इन इंडिया एंड द रियलाइजेशन ऑफ इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ये अगर आप एम्पेडा की वेबसाइट खोलते हो ना, और एम्पेडा की वेबसाइट में अबाउट अस वाले सेक्शन में जाते हो, तो आपको वहां पर ये एज इट इज स्टेटमेंट मिलेगी जो क्वेश्चन के अंदर डाली गई है। 1972 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया, और वो एक्ट कौन सा है, मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो 1972 में पास हुआ था, ठीक है। सी फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग एक्सपोर्ट सबके अंदर काम करेगी। हेडक्वार्टर कोची केरला के अंदर है, अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड भारत सरकार देखो फिशिंग वेसल्स स्टोरेज प्रिमाइसेस प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह के लिए नए नए रूल्स लेकर के आती है, और वो जो रूल्स हैं वो एम्पेडा की रिकमेंडेशन के ऊपर ही अल्टीमेटली सरकार लेकर के आती है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करती है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। ये सब बच्चों ने इसका आंसर सही नहीं किया जितने बच्चों से बात हुई। अल्टीमेटली रीजन ये था कि एग्रीकल्चर के अंदर एक पॉइंट यहाँ पर देखा गया कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है बच्चों को एग्रीकल्चरल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह में है। ऑलराइट, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी अगर हम जाएं तो मेनली जो प्रॉब्लम है वो बायोलॉजी वाले सेक्शन में है। तो ओव्यूलेशन बेसिकली क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन जब आपका जो ओवम होता है, जो फीमेल ओवम होता है, वो जब शेड जो ओवम जब शेड हो जाता है फॉलिकल से, तो उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जब अभी मैं कुछ लेक्चर्स लेकर के आऊंगा जिसके अंदर हम स्पेशली फोकस करेंगे प्लांट बायोलॉजी के ऊपर और एनिमल बायोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन वॉज डायरेक्टली फ्रॉम अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स पीएम किसान योजना से, एंड पीएम किसान काफी फेमस स्कीम है, और कोई भी अगर बच्चा एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो बच्चे ने पीएम किसान स्कीम नहीं पढ़ी। पीएम किसान स्कीम को हमने यूट्यूब के ऊपर भी डिस्कस किया जब मैं अन अकेडमी के ऊपर पढ़ाता था तब भी, क्योंकि काफी सारे बच्चे वही हैं जो अन अकेडमी पर देखते थे, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एमसीक्यू कोर्स के अंदर भी इसमें से हमने क्वेश्चन डाला पीएम किसान के ऊपर से, तो डेफिनेटली काफी ईजी क्वेश्चन था अगेन मेरे हिसाब से। तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2000 ईच, सॉरी ये 3000 नहीं है, 2000 ईच जो है वो दिए जाते हैं, ओके 6000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। पीएम किसान को हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर ट्रांसफर करता है 6000 पर ईयर तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, और इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। पैसा किसको दिया जाता है, जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर है, साइज मैटर नहीं करता है इसके अंदर कि फार्मर के पास कितना साइज है। फरवरी 2019 के अंदर ये स्कीम आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग इसके अंदर भारत सरकार की रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको इंप्लीमेंट करती है। बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन का जो जिम्मा है वो स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स को दिया गया, उनको बोला गया कि आप आइडेंटिफाई करके हमको लिस्ट प्रोवाइड करें। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स को डिस्ट्रेस के टाइम पर सप्लीमेंट किया जा सके, और जब उनके पास पैसा रहेगा तो वो उसको क्रॉप हेल्थ और बेटर फार्म मैनेजमेंट के अंदर भी यूज कर पाएंगे, एंड इनफॉर्मल मनी लेंडर से फार्मर को प्रोटेक्ट करने का भी ये एक जरिया रहता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। अब इसके अंदर पता है क्या था, क्वेश्चन जो था एग्जैक्टली स्टेटमेंट यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन ऐसा था कि उसने आपको एक स्कीम दिया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये
जो स्टेटमेंट था वो एग्जैक्टली अगर आप स्कीम का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो ना, जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव, देखो कोई भी स्कीम जब सरकार लेकर के आती है ना, तो सरकार उसमें सबसे पहले प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्टिव कि यार ये स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अक्सर जब भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पढ़ते हैं, मैं पहले भी काफी बार बच्चों को बोला है, वो सीधा किस चीज के ऊपर चले जाते हैं कि इस स्कीम के अंदर इतना पैसा मिलेगा, इस स्कीम के अंदर इतना परसेंटेज है, इस स्कीम के अंदर, फैक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं डायरेक्टली, ऑब्जेक्टिव को फॉलो ही नहीं करते, ऑब्जेक्टिव को रीड ही नहीं करते। लेकिन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर से बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज फॉर्म हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर से आपको आपके सब्जेक्टिव आंसर के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है। ऑब्जेक्टिव से आपको इंटरव्यू के अंदर आपके काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑब्जेक्टिव को रट लो, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपके तीन तीन काम होंगे, एक काम ही तीन फायदे होंगे। तो प्रधानमंत्री संपदा योजना को अगर हम पढ़ें, तो प्रधानमंत्री संपदा योजना डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की ये बेसिकली बेटा स्कीम है, और इसके अंदर सरकार ने बोला है कि हम 5 साल के अंदर 20,050 करोड़ का बजट सेट किया है, 2020-21 से 2024-25 तक की ये बेसिकली स्कीम है। और इसके अंदर जो वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जिनको सपोर्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर, वो क्या है, फिशर, फिश फार्मर, फिश वर्कर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उनके वेसल को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, लाइवलीहुड और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटीज हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल फिशरमैन को बोट और नेट्स सप्लाई किए जाएंगे, सेफ्टी किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अलावा कम्युनिकेशन एक इस्टेब्लिश किया जाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन ताकि फार्मर्स के साथ कम्युनिकेट किया जा सके डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एडवाइस किए जाएंगे फार्मर्स को ताकि वो डायरेक्टली उन जोन्स में जाकर के बेनिफिट उठा सकें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किया जाएगा फिशिंग वेसल्स का, अपग्रेडेशन होगा एग्जिस्टिंग फिशिंग वेसल्स का जहां पर पॉसिबल है, ओपन सी केज कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज, सी वीड कल्टिवेशन, इन सबको प्रमोट किया जाएगा, इंटीग्रेटेड मॉडर्न फिशिंग विलेजेस को डेवलप किया जाएगा नियर द सी एरियाज, और उसके अलावा प्रॉपर फिशिंग हार्बर्स, लैंडिंग सेंटर, कोल्ड चेन फैसिलिटी ताकि जो फिश कैच है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मार्केटिंग वगैरह सबके अंदर जो है इसमें हेल्प किया जाएगा। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है फिशिंग सेक्टर का यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके अंदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, या कोई और इशू चल रहा है, तो सरकार क्या करती है, फिशिंग बैन लगा देती है, या लीन पीरियड, लीन पीरियड होता है जब आपके एरिया के अंदर फिशीज, आपको फिश कैच अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उस समय पे क्या होता है कि यार फार्मर अब जो कंप्लीटली फिशरीज के ऊपर डिपेंडेंट है दैट फार्मर इज गोइंग टू सफर। तो सरकार क्या कहती है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हम अगर बैन है या लीन पीरियड है तो उस समय पे भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे, ऑल्टरनेटिव जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ओके। अब इसके अंदर देखो उसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 3,000 रुपीज की होगी पर एनरोल्ड फिशर, और इसके अंदर 50:50 की शेयरिंग रहेगी सेंटर और जनरल स्टेट्स के बीच में, जनरल स्टेट्स यानी कि जो वेल डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, और 80:20 रहेगा सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के साथ, ठीक है, और यूटी तो क्योंकि सेंटर का ही होता है तो वहां पर 100% हो जाएगा। ऑलराइट, बिसाइड्स द बेनिफिशियरीज कॉन्ट्रीब्यूट 1500 एनुअली एंड द टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ ₹4,500 एनुअली इज डिस्पर्स टू द एनरोल्ड बेनिफिशियरी। 3,000 तो सरकार के हो गए, उसके अलावा ₹1,500 जो है ना वो सरकार फिशरमैन से भी लेगी जो एनरोल्ड है, वो ऐसा उस समय नहीं लेगी जब लीन पीरियड चल रहा है या बैन पीरियड चल रहा है, जब उसकी सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, जब उसका ठीक ठाक काम चल रहा है उस समय पे सरकार कहेगी कि तू एक तरह से ₹1,500 हमें जमा करा दे ताकि जब तेरा मुश्किल समय आएगा, जब बैन या लीन पीरियड आएगा, तो 3,000 हम अपनी तरफ से और ₹1,500 जो तू हमें दे रहा है वो 1500 मिला करके तुझे ₹4,500 दे देंगे ताकि तेरे जो है फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़िया रहे, ठीक है। चल अब देखो इस स्कीम के ऊपर हमने चार पांच मिनट लगा दिए, एंड अल्टीमेटली आप देखोगे कि अगर मेंस के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है या फिशरीज डेवलपमेंट, फिश सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो जब तक आपके दो पॉइंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ऊपर नहीं होंगे तब तक वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने 2 दिन का समय लिया ताकि मैं अच्छे से सारी चीजों को, एस्पेक्ट्स को कवर अप कर सकूं।
मैं जिस दिन पेपर हुआ ना, मैं उस दिन यूट्यूब देख रहा था, तो उसपे क्या हो रहा था ना, सब लोग भाग रहे थे, जो भी टीचर्स वगैरह और यूट्यूब के चैनल्स वगैरह ना, वो सब लोग भाग रहे थे कि किसी तरीके से ना हम फटाफट फटाफट हम लोग ना वीडियो प्रोवाइड कर दें। टारगेट ये नहीं था कि चलो बच्चे पेपर तो दे आए, आंसर की से ऐसा तो है नहीं कि अब आप आंसर बदल दोगे, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है आंसर की जैसी मर्जी हो, चाहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन भी गलत हो गए हो, तब भी आप मेंस की तैयारी मत छोड़ो अपनी, क्योंकि एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते का पेशेंस और रखो। तो आंसर की के ऊपर जिनकी प्रिपरेशन डिपेंडेंट है, पहली बात तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, मैं क्लियर वर्ड्स में आपको ये बात बोल देता हूँ। दूसरी चीज, ये जो भेड़ चाल है ना, जो फटाफट से भागने वाली चीजें हैं, अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट लाइफ को इफेक्ट करती हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है। अब मैंने कई चैनल्स के ऊपर देखा, वो क्या कर रहे थे कि वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को दे आर कॉलिंग, और लाइव सेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को कॉल कर रहे हैं, या जो भी उनके एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे वो कॉल कर रहे हैं, हाँ हमें क्वेश्चन बता दो, ये वो कैसा हुआ। मैंने भी एक आधा कॉल किया था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी एक आधा कॉल किया। और मैंने जब वो कॉल किया ना, उसके बाद जब मैंने वो कॉल रखा, मेरे को बड़ा बुरा लगा, उसके बाद मैंने कोई कॉल नहीं किया। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि यार, एक बच्चा काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, 6 महीने से 8 महीने से प्रिपेयर कर रहा था, अभी मुझे नहीं पता कि उसका पेपर कैसा गया है, अच्छा गया है बुरा गया है, ठीक है, एकदम से वो पेपर से निकला और मैं उसके ऊपर टूट पड़ूं। हाँ हाँ बताइए बताइए फटाफट, कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से सवाल आए थे। तो अल्टीमेटली उसके ऊपर मैंने बिना बात के, वो बेचारा 6 महीने का भी अपना प्रेशर रिलीज करके निकला है, और क्या आप तो और ज्यादा प्रेशर में आ गया हो, क्योंकि उसका पेपर उसके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ, उसके ऊपर तुम कूद पड़ो कि बता 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 बता। तो वो मेरे हिसाब से गलत चीज थी, जिसके अंदर भगवान ने शायद मुझे बचा लिया कि नहीं भाई भाई तू मत पढ़ इन सब में, जिस चीज के हम अगेंस्ट बात करते हैं उसी चीज को अगर हम फॉलो करें तो वो गलत है। दूसरी चीज जो इसके अंदर है, वो मैं आप बच्चों से एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बच्चे ना इंस्टीट्यूट, जो भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ये सब है, कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं वो अपने टीचर्स वगैरह को भेज देते हैं पेपर देने के लिए। वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक अप्रोच है कि आपने एक टीचर को भेज दिया पेपर देने के लिए, मोटिव भी है कि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस क्या क्या आए थे और आप फिर वो डिस्कस कर सको, उसके मैं सपोर्ट में हूँ। दूसरी तरफ कई इंस्टीट्यूट्स के बारे में मुझे पता चला है, वो क्या करते हैं, वो पेपर से पहले जो उनके पास एनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, और टीचर के ऊपर, क्योंकि बच्चे को टीचर के साथ एक कनेक्ट बना हुआ होता है, तो टीचर के थ्रू ही कनेक्ट करवाते हैं, ताकि वो टीचर की बात को मना भी ना कर पाए। अल्टीमेटली टीचर उनको क्या बोल देगा कि बेटा क्वेश्चन पे जब जाएगा ना पेपर देने, तो ना क्वेश्चन याद रख लियो, क्वेश्चंस को नोट वोट थोड़ा हाथ वात पे लिख करके ले आई हो, ताकि मैं फिर तेरे को पेपर के बाद फोन करूंगा, मेरे को क्वेश्चंस बता दियो क्या क्या आए थे। और जो बच्चे इस चीज को करने से मना कर देते हैं कई बार, तो इंस्टीट्यूट वाले उनको 1,000 2,000 का लालच भी दे देते हैं। ये एक अप्रोच जो है वो फॉलो की जा रही है, 2,000 रुपये का लालच दे दिया कि तू मेरे को क्वेश्चंस बता दियो अच्छे से, मैं तेरे को 2,000 रुपये दे दूंगा। तो ये बहुत गलत अप्रोच है, और बच्चों को इस लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका टीचर भी आपको फोन करके कह रहा है ना कि अगले दिन मेरे को क्वेश्चन बता दियो, आप सिंपली उसको डिनाई कर दो, आप उसको मना कर दो कि सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर मुझे कुछ याद रहा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, लेकिन मैं स्पेशली ये कमिट नहीं करता। क्यों ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो ना, आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर क्लियर करने पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए। तब आपका ध्यान इस चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए कि फलाने ने मेरे को बोला कि क्वेश्चन, तो आपका आधा ध्यान अपने पेपर के अंदर नहीं, आपका आधा ध्यान इस चीज के अंदर है कि आप उस क्वेश्चन को याद रख लो ताकि आप बाहर जा करके बता सको, या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और हाथ पे क्वेश्चन लिख रहे हो ताकि आप बाहर जा करके क्वेश्चन बता सको, तो वो एक बेटा स्टूपिडिटी है। तो दुनिया में मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो होता है नो बोलना, ठीक है, और अगर आप नो नहीं बोलोगे ना, तो दुनिया आपका इतना ज्यादा फायदा उठाएगी कि आप बस परेशान हो जाओगे, तो ऐसा मत करो अपने साथ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, लेटरल शूट जो मेन स्टेम से बेसिकली अराइज करती है और ग्राउंड लेवल के क्लोज होती है, एंड कभी कभी कभार फ्रूट्स इसके अंदर प्रोपोगेट हो जाते हैं, बट इन लेटरल शूट्स को हम बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं, सकर्स इनको हम बोलते हैं। क्यों नहीं हम इसको एनकरेज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्लांट की एनर्जी हो वो सारी की सारी उसकी जो मेन स्टेम है और जो मेन फ्रूट्स बियरिंग स्टेम है उसको वो मिले, बट सकर समटाइम्स दे कम आउट ऑफ मेन स्टेम, और इसको बेसिकली हम प्रनिंग वगैरह से रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है, एंड बिलो द ग्राउंड लेवल भी होते हैं, टू द ग्राउंड लेवल अबव थोड़ा सा हाइट के ऊपर भी मिल जाते हैं, एग्जाम्पल में क्राइजेंथेमम
ओके, उसके अलावा क्लैरोडेंड्रॉन, स्प्लेंडर्स, ये सब आपको इसके अंदर एग्जांपल में देखने को मिलेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ये एक एग्रीकल्चर की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन है आपका, इन विच पॉलिनेशन पॉलन्स फ्रॉम एंथर्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। तो बेसिकली पॉलिनेशन हो रही है, इतना तो अगर कोई बेसिक एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है उसको पता है पॉलिनेशन हो रही है, कीवर्ड पकड़ लिया। और बाकी की फालतू की बातें अगर नहीं भी पता, समझ में आ रही, सेम प्लांट, सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर डिफरेंट हो तो, अगर दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, प्लांट ए प्लांट बी, ठीक है, प्लांट ए से प्लांट बी के अंदर पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है क्वेश्चन में, सेल्फ पॉलिनेशन है। ओके, सो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, एंथर जो है, एंथर से पॉलन ट्रांसफर हो रहा है किसमें, स्टिग्मा में, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ए प्लांट है, ठीक है, अब इस प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर्स हैं। अब हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये ए फ्लावर है, ये बी फ्लावर है, अब फ्लावर ए से फ्लावर बी के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रही है, फ्लावर ए से पॉलन ट्रांसफर हो रहा है फ्लावर बी में, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, तब भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा क्योंकि ये सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं। ठीक है, सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं, एक ही प्लांट के फ्लावर्स हैं, एक ही ट्री के फ्लावर्स हैं, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है, अब फॉर एग्जांपल यहां पर एक दूसरा प्लांट है, अब दूसरा प्लांट है जो इसका स्टिग्मा अगर इस प्लांट के फ्लावर में जा रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट्स या दो डिफरेंट ट्रीज आ गए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगेन इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस एफओ वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होने हैं उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एट्थ क्वेश्चन, ये तो अभी जब हमने एग्जाम से कुछ दिन पहले जब हमने रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, एनुअल रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, तब मैंने इंटरेस्ट सबवेंशन को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। अब यहां पर जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन बेटा जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर है ना वही सेम यहाँ पर सारा मैकेनिज्म है, तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो रेट होता है वो 9% होता है, 9% के ऊपर आपको 2% का क्या मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो कितना परसेंट बच जाता है, 7% बच जाता है। इसके ऊपर सरकार कहती है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का क्या मतलब होता है, टाइमली रीपेमेंट। अगर आप टाइम से अपना लोन चुका रहे हो तो सरकार कहती है कि अगर आप अपना टाइम से लोन चुकाओगे तो हम आपको 3% का और डिस्काउंट देंगे, 3% का और इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, इफेक्टिवली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच जाएगा वो बच जाएगा 4%। तो आपसे पूछा गया था कि अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट होता है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है सबवेंशन आपको मिलेगा, तो 3% का मिलेगा। ये मैंने आपके पेपर से 2-3 दिन पहले ही हमने ये वीडियो डिस्कस किया था। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, सेम लेक्चर के अंदर जिसके अंदर मैंने इंटरेस्ट सबवेंशन डिस्कस किया था, उसी लेक्चर के अंदर हमने एमएसपी वाली स्लाइड भी डिस्कस की थी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस उसको रिकमेंड करता है, ये वाली सेम स्लाइड हमने डिस्कस की थी उस लेक्चर के अंदर। ठीक है, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो पहला स्टेटमेंट है कि एमएसपी का इंट्रोडक्शन ही आपको सब्जेक्टिव आंसर के अंदर हेल्प कर सकता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एमएसपी जो है 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है और फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एक क्रॉप के लिए अनाउंस होता है जिसको सीएसीपी अनाउंस करता है, रिकमेंड करता है, बेसिकली अनाउंस सरकार करती है। ओके, मैंने आपको बोला था कि एक सब्जेक्टिव आंसर के लिए ये अच्छा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि 22 जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर 14 आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, उन 14 खरीफ क्रॉप्स की मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी उस लेक्चर के अंदर, हमने डिटेल में डिस्कस किया तो मैं अब यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 6 मैंने आपको राबी क्रॉप्स बताई थी और 2 जो है आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है। इन 22 क्रॉप्स के अलावा एमएसपी तुरैया और डीहस्क्ड कोकोनट का भी अनाउंस किया जाता है। तुरैया का जो एमएसपी होता है वो रेपसीड और मस्टर्ड के एमएसपी के ऊपर बेस्ड होता है और डी हस्क्ड कोकोनट का जो एमएसपी होता है वो कोपरा के एमएसपी के ऊपर बेस्ड होता है। हमने डिटेल में डिस्कस किया था पेपर से सिर्फ 3 दिन पहले। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2018-19 के बजट में ये बोला गया था कि एमएसपी जो भी होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना होना चाहिए। कि अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, जो फार्मर का खर्चा आया है फसल को ग्रो करने में, तो अगर 100 रुपए का खर्चा हुआ है तो
बजट 2018-19 में ये फिक्स कर दिया गया कि कम से कम एमएसपी 150 रुपए तो कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। 10th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, बिल्कुल पहला लेक्चर जब भी हम एग्रीकल्चर का करते हैं तो उसके अंदर हम वेरियस फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर और उनकी डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेटली एग्रोनॉमी जो है मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को डील करता है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट को डील करता है। ऑलराइट, एग्रोनॉमिस्ट जनरली वर्क विद क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एंड दैट रिक्वायर रिलेटिवली लिटिल मैनेजमेंट। एग्रोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स फोकस ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स रिलेटिंग टू क्रॉप प्लांट्स, जिसके अंदर यील्ड, डिजीज मैनेजमेंट, कल्टीवेशन, पेस्ट एंड वीड मैनेजमेंट सब आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा परेशानी वाली दिक्कत इसमें नहीं थी। 11th क्वेश्चन, अगेन एमएसपी फॉर तुर फॉर खारिफ। ये मैं कितनी बार अपने लेक्चर्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर मैंने बच्चों को बोला है कि जो लेटेस्ट एमएसपी है उसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मैं ये देख रहा था यूट्यूब के ऊपर कई जगहों पर जब डिस्कस हुआ तो इसको बोला कि रैंडम नहीं है बेटा, ये हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हर साल क्वेश्चन आते हैं और मैंने कितनी बार इसको बोला है कि आपको ये एमएसपी वगैरह जो है लेटेस्ट आपको याद होने चाहिए। इसका पूरे का पूरा पीआईबी के ऊपर एक कवरेज आता है, ठीक है, जब भी एमएसपी अनाउंस होता है, तो 6600 पर क्विंटल था ये एज इट इज। आपका 2022-23 का जो एमएसपी अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है आपको। ये अभी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेटली ये मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, डेफिनेटली ये मेंस के अंदर पूछा जा सकता है और डेफिनेटली ये आईबीपीएस एएफओ जैसे एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। तो जो आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगी, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो एमएसपी अगर आप यहाँ पर देखो, ये 14-15 और ये 20-21 वाला कॉलम आप छोड़ दो, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो वो पेपर में पूछ सकता है। जैसे पेडी कॉमन है, पेडी कॉमन का एमएसपी उन्होंने कितना बताया, 2040। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 1360। ठीक है, पिछले सीजन में जो एमएसपी था वो था 1940। ठीक है, तो इस बार सरकार ने 100 रुपए से एमएसपी को बढ़ा दिया है। ठीक है, 100 रुपए से एमएसपी को बढ़ा दिया है। एंड अगर आप देखो 1360 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और एमएसपी है 2040, तो सरकार कहती है कि हम 50% ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 50% ऊपर करके हमने जो है एमएसपी आपको ऑफर किया है। तो थोड़ा सा आइडिया एक तो आपको इंक्रीज का भी रखना पड़ेगा, इसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आइडिया आपको रखना पड़ेगा एंड एमएसपी आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीन फैक्टर। रिटर्न तो आप तब कैलकुलेट कर ही लोगे, रिटर्न तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे कि कितना रिटर्न बेसिकली ये है। ठीक है, पेडी ग्रेड ए 2060 है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वो सब नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ यही याद रखना है। जोआर हाइब्रिड 2970, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 1977, पिछले टाइम के मुकाबले 232 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, 50% जो है रिटर्न है। जोआर मलंदी, बाजरा, रागी, इस तरीके से ये सारे आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी है और ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर जब मैं ये फाइल शेयर करूंगा वहां पर आ जाएगी, तो वहां से आप कवर अप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मेल पे, कहीं पर भी आप पूछ सकते हो। 12th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, 12th क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जब आपका सॉइल जो है वो सैचुरेट हो जाता है, यानी कि सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो या मैक्रो पोर्स हैं वो एयर या वाटर से फिलअप हो जाते हैं और इसको आइडियल कंसीडर किया जाता है क्रॉप ग्रोथ के लिए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कभी बारिश हुई या ड्रेनेज आप कर रहे हो, तो ड्रेनेज अब पूरी तरीके से रुक चुकी है, ओके, और जो बड़े पोर्स हैं उसके अंदर हवा और पानी पूरे तरीके से भर चुका है और जो स्मॉलर पोर्स हैं उसके अंदर वो पानी से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। एंड इस स्टेज के ऊपर हम सॉइल को क्या बोलते हैं कि वो अपनी फील्ड कैपेसिटी के ऊपर है। फील्ड कैपेसिटी के ऊपर जो वाटर एंड सॉइल कंटेंट होता है ना सॉइल का, ये आइडियल कंसीडर किया जाता है। ये फील्ड कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है ये डायरेक्टली हमने एफएओ की वेबसाइट से पिकअप की है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसी डेफिनेशन के ऊपर एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन डाला हुआ था। तो हॉरिजन देख रहे हो किसी, मैं जब बच्चों को, बच्चे मेरे से बड़ा पूछते थे पेपर के टाइम पर, पेपर से पहले, कि सर कोई किताब बता दो, कोई किताब बता दो एग्रीकल्चर की, बड़ी सारी गाइड्स आती हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो वो यही बोलते थे, मैं उनको यही बोलता था बच्चे कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो एग्रीकल्चर आपका पूरा कवर कर सके। एग्रीकल्चर एक बहुत, एग्रीकल्चर एक अपने आप में पूरी की पूरी फील्ड है,
स्पेशली जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर ग्रेजुएशन नहीं की है, वो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल जोन है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक फील्ड है। बच्चे इसके अंदर चार चार साल की बीएससी करते हैं, इसके अंदर हॉर्टिकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर के अंदर अलग से चार साल की बीएससी होती है, एग्रीकल्चर के अंदर अलग से होती है, एग्रोनॉमी के अंदर अलग से होती है, फॉरेस्ट्री, तो समझ रहे हो कितने बड़े फील्ड हैं। 13th क्वेश्चन था, यंग फीमेल इन बुफेलो इज कॉल्ड एज। अब देखो ये तो मैंने टाइम एंड अगेन आपको बताया कि जो ये यंग फीमेल हो गया, मेल हो गया, ठीक है, बर्थ गिविंग प्रोसेस हो गया, जेस्टेशन पीरियड हो गया, ये सारी की सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके ऊपर ना मैं एक पूरे का पूरा लेक्चर डिस्कस करूंगा, उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो हीफर कार्फ जो है बेटा बुफेलो को बोलते हैं, यंग फीमेल को। 14th क्वेश्चन था, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन काओ इज कॉल्ड एज। इसको बेटा मेमोजेनेसिस बोलते हैं, जब आपका मेमोरी ग्लैंड जो है वो फंक्शनल स्टेट के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट है ओवर द नाइट नहीं होती, बर्थ से प्यूबर्टी तक ये कंटिन्यू होती है मेमोरी ग्लैंड ग्रो करना, और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ये कंटिन्यू करता है। 15th क्वेश्चन था आपका बेसिकली कि इनमें से कौन सा जो है इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम का, और जिसका जो मेन काम है वो ये है कि वो लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स, यानी कि हर एरिया के लिए, हर लोकेशन के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करे एग्रीकल्चर और एलाइड एंटरप्राइजेस के लिए, और उसको फार्मर्स तक लेकर के जाए डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। तो कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर आंसर था। अगेन पीआईबी जो है डायरेक्ट सोर्स है क्वेश्चन का, तो उस वन ऑफ द न्यूज के अंदर पीआईबी में डिस्कस किया गया था कि जहां पर मंत्री साहब जवाब दे रहे थे कि इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है दुनिया में, जिसको हम नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर ICAR और स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं, ठीक है, और NARS ने काफी हेल्प किया इंडिया को फूड प्रोडक्शन को सेल्फ सफिशियंट बनाने में। NARS की जब बात की जाती है तो NARS का जो रिसर्च नेटवर्क है इसके अंदर 102 ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट, 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 73 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो है वो इंक्लूडेड है, एंड इन ICAR टेक्नोलॉजीज को पॉपुलराइज करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एंड रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को यूज किया जाता है, और यही आपसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। चलिए 16th क्वेश्चन था आपका, मिनिमम साइज ऑफ हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो 25 स्क्वायर मीटर जो है मिनिमम साइज सरकार बोलती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है और मेंस में ऑब्जेक्टिव भी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैसे 2022 तक हम सबको पक्का हाउसेस प्रोवाइड करें रूरल एरियाज के अंदर। ये एक स्कीम हमारे पास ऑलरेडी थी, इंदिरा आवास योजना 2016 से पहले, और इंदिरा आवास योजना के अंदर थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग करके इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कन्वर्ट कर दिया गया था 1 अप्रैल 2016 से। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है ये स्कीम, पक्का हाउसेस बेसिक अमेनिटीज के साथ ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल उसका काम ये करती है। स्पेसिफिकली जो बिलो पॉवर्टी लाइन रूरल पीपल हैं उनको ये स्कीम कवर करती है, ताकि जो कच्चा हाउसेज हैं उसको कन्वर्ट किया जा सके पक्का हाउसेज के अंदर। बेनिफिशरीज के अंदर SC ST कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूरी से फ्री किए हुए मजदूर हैं, नॉन SC ST कैटेगरी से भी लोग इसके अंदर आ जाएंगे इफ दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, विडोज जो डिफेंस पर्सनल विडोज हैं, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिसेबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटीज भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे। बेनिफिशरीज के सिलेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो ग्राम सभा को दी गई है, और ग्राम सभा बेसिकली जो सिलेक्शन करेगी फिर उसको चेक किया जाएगा सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू जो 2011 में कंडक्ट किया था, कि कोई छूट ना जाए, और फिर जियो टैगिंग भी की जाएगी ताकि एक प्रॉपर रिकॉर्ड क्रिएट हो। कॉस्ट शेयरिंग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसके अंदर करेंगे। जो जनरल स्टेट्स हैं यानी कि जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर 60:40 की शेयरिंग रहेगी, 60 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के और 40 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के अंदर 90:10 की जो है कॉस्ट शेयरिंग इसमें रहेगी।
फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो फीचर्स में सरकार कहती है कि मिनिमम साइज जो है घर का 25 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, स्क्वायर मीटर होना चाहिए। पहले 20 स्क्वायर मीटर था, फिर सरकार ने कहा कि नहीं 25 करो, क्योंकि हमें एक हाइजीनिक कुकिंग स्पेस भी प्रोवाइड करना है। ओके, इसके अंदर जो असिस्टेंस है पहले था 70,000 का, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1,20,000 कर दिया गया है प्लेन एरियाज में, और हिली एरियाज के लिए पहले 75,000 थी, अब 1,30,000 कर दी गई है। ठीक है, तो असिस्टेंस कितनी है, 1,20,000 प्लेन एरियाज में और 1,30,000 हिली एरियाज में। ऑलराइट, इसके अंदर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा है और मनरेगा जो स्कीम चल रही है, उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर डाला जाएगा। पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, क्योंकि बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करने की ये डेफिनेटली यहां पर बात कर रहा है। 17th क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन स्टेटमेंट में था, मैंने यहां पर सिंपल फॉर्म में डाल दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि सिल्वीकल्चर, क्रॉप और लाइव स्टॉक, अगर तीनों को आप एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एग्री सिल्वी पेस्टोरल कल्चर। ठीक है, तो एग्रो सिल्वी पेस्टोरल कल्चर की डेफिनेशन कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो लैंड यूज प्रैक्टिसेस हैं जहां पर ट्रीज एंड क्रॉप्स को इंटीग्रेट किया जाता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के साथ। तो बेसिकली एग्रो जो सिल्वी कल्चर हो गया, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो एग्रो वाला कॉम्पोनेंट आ गया, उसके अंदर आप क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो, और पेस्टोरल वाला जो कॉम्पोनेंट है उसके अंदर आप लाइव स्टॉक। तो बेसिकली अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो इजिली आप इसको आंसर कर सकते हो। 18th क्वेश्चन था कि ब्रीडर सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किन सीड्स को यूज किया जाता है, तो यहां पर आपका आंसर होगा न्यूक्लियस सीड्स। ठीक है, नाउ देखो, सीड एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का सबसे चीप और सबसे बेसिक इनपुट है। ठीक है, सीड के बिना फसल नहीं हो सकती। एक मिनट के लिए अगर ट्रैक्टर नहीं है तब भी आप फसल कर लोगे, आपके पास पेस्टिसाइड नहीं है तब भी आप सोच लोगे कि यार मैं लगा देता हूं फसल, पेस्ट अटैक का रिस्क देख लूंगा, पर बीज ही नहीं है तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, है ना। नाउ जब भी आप किसी वैरायटी को रिलीज करते हो तो जो आपका प्लांट ब्रीडर होता है ना, उसके पास एक सीड क्वालिटी, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सीड क्वालिटी वो मेंटेन करके रखता है, जिसको न्यूक्लियस सीड बोला जाता है। ये जो न्यूक्लियस सीड है ना, इसको कॉमर्शियल स्केल पे सीड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन पर्पज के लिए। एंड दैट इज वाई वी से कि जो आपके ब्रीडर सीड्स या फर्दर फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड्स हैं, उनके मल्टीप्लीकेशन अल्टीमेटली इन न्यूक्लियस सीड्स के थ्रू ही प्लांट ब्रीडर जो है वो करता है। ओके, तो अगर वो आपसे पूछ ले कि देखो पहले आपके बनते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आपके बनते हैं ब्रीडर, ब्रीडर से आपके बनते हैं फाउंडर और फाउंडेशन और सर्टिफाइड, तो ये आप ऑर्डर जो है वो ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पेपर के अंदर वो इसमें पूछ सकता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। NAS 2020 के हिसाब से जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है लाइफ स्टॉक का, वो 24.32% से इंक्रीज हुआ 2014-15 में टू व्हाट परसेंट इन 2018-19। अब मैं बोलते बोलते थक गया बच्चों को कि यार करंट अफेयर एग्रीकल्चर का सिर्फ 4 महीने का नहीं होता, उल्टा मेरे पास देर इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन टेलीग्राम पे, उसका मैसेज भी आया, ही मे रिकॉग्नाइज इफ ही इज वॉचिंग द वीडियो, कि सर 4 महीने का करंट अफेयर था। सर वो 4 महीने का करंट अफेयर नहीं था, आपकी गलत फहमी है। आप कैसे बोल सकते हो कि वो 4 महीने का करंट अफेयर था? आप प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या ये 4 महीने के करंट अफेयर का क्वेश्चन है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया पीएम किसान, क्या ये 4 महीने के करंट अफेयर का क्वेश्चन है? आपसे सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्या ये 4 महीने के करंट अफेयर का क्वेश्चन है? ये क्या 4 महीने पहले आई है सारी स्कीम्स? ये स्कीम्स बहुत टाइम से चल रही हैं, ये आपकी गलत फहमी है कि ये 4 महीने का करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। एग्रीकल्चर में 4 महीने के करंट अफेयर नहीं आता। इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये 4 महीने पुराना नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, 28.63% इसके अंदर आंसर है, पीआईबी का सोर्स है, मैं आपको लिंक ओपन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये अभी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आईबीपीएस एएफओ वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट्स ओपन दिस लिंक।
आ जाओ जी, ये देखो। सबसे पहले तो आप डेट देख लो, डेट देख लो जी, 29 जनवरी 2021 का आर्टिकल है जिसके अंदर से बेसिकली ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का जब प्रेजेंट हुआ था पिछले साल का, उस टाइम पे ये न्यूज में आया था। और उसी के अंदर अगर आप नीचे जाओगे आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आप लाइफ स्टॉक सेक्टर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक सेक्टर के ऊपर यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा, बेसिकली ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन था पिछले साल वाले, इस साल वाले भी नहीं, पिछले साल वाले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या था अगर आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ोगे, दैट एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2020 फॉर सेक्टर वाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर GVA एट कॉन्स्टेंट प्राइस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 24.32% टू 28.63%। डायरेक्ट क्वेश्चन उसने यहां से उठा करके डाल दिया ये डायरेक्टली, ठीक है। तो डेफिनेटली अब काफी सारे बच्चे अगर ये क्वेश्चन छोड़ करके आए हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे और पिछले साल के PIB इतना पुराना, बहुत कम बच्चे जाते हैं या किसी को याद रह जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली लेकिन सिर्फ इस वहम में रहना, अगर कोई भी आपके अंदर ये वहम डाल रहा है कि सर सिर्फ और सिर्फ लास्ट चार महीने का करंट अफेयर से आप एग्रीकल्चर सॉल्व कर लोगे, तो आई एम वेरी सॉरी, आप एक मिथ के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहे हो फॉर फ्यूचर एज वेल। ऑलराइट, चलिए लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हाईली परमिएबल सॉइल विद लो वाटर रिटेंशन, ऐसा सॉइल जिसके अंदर हाई परमिएबिलिटी है यानी कि वाटर रिटेन नहीं हो पा रहा, वाटर मूवमेंट काफी हाई है, सैंडी सॉइल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में से है, एज इट इज उन्होंने जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट डाली थी ना वो एज इट इज एनसीईआरटी से पिकअप की थी। हम इतना ज्यादा पढ़ने के अंदर बिजी हो जाते हैं बड़ी बड़ी चीजें, एनसीईआरटी जो है आपकी सिक्स क्लास से लेकर के ट्वेल्थ क्लास की, उसके अंदर ज्योग्राफी और साइंस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपकी एग्रीकल्चर, प्लांट बायोलॉजी, सॉइल, ये तीन टॉपिक बहुत अच्छे से, और एनवायरमेंट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर्ड हैं एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन कोई एग्रीकल्चर का बच्चा तैयारी करने वाला नहीं पड़ता, बड़े सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो एनसीईआरटी में से डायरेक्टली। अगर जितने क्वेश्चन हैं 40 में से मैं देखूंगा ना, आपको बड़े इजिली 4-5 क्वेश्चन की एग्जैक्ट वर्डिंग एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी। बट आपकी भी गलती नहीं है, गाइड करने वाले जो है वो गाइडेंस बड़ा मेरे हिसाब से पुअर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही एक इंडिया के अंदर गाइड बचाऊं, बट बड़ा पुअर हो गया, और अल्टीमेटली आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ गाइडेंस। कोर्स बेचना है बस अपना और कुछ नहीं है। तो सैंडी सॉइल बेटा, साइज जो होता है पार्टिकल का सॉइल का, ये अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी सॉइल को। नाउ सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, जो सैंड होता है ना, सैंडी सॉइल होता है, उसमें पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, और बड़े होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ देखे नॉट फिट क्लोज टूगेदर, बहुत स्पेस उनके बीच में रह जाएगा। और इस लार्ज स्पेस के होने की वजह से ही अल्टीमेटली ये जो स्पेस है ये एयर से फिलअप हो जाएगा, एंड दैट इज वाई ये जो सैंडी सॉइल होते हैं ना, काफी अच्छी एयरेशन इनके अंदर होती है, एयरेटेड होते हैं ये, ओके। बट इस लार्ज स्पेस के होने की वजह से वाटर भी नहीं होल्ड हो पाएगा, वाटर बहुत क्विकली ड्रेन हो जाएगा। तो सैंडी सॉइल्स लाइट होते हैं एयरेशन की वजह से, एंड ड्राई होते हैं बिकॉज पानी होल्ड नहीं हो पाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपके क्ले पार्टिकल्स आ जाते हैं, सैंडी से ये छोटे होते हैं साइज के अंदर, एंड दैट इज वाई दे पैक टाइटली टुगेदर, तो एयर ही नहीं होंगे बिल्कुल भी इसके अंदर, एयरेशन नहीं होगा। तो सैंडी सॉइल एयरेशन में अच्छे हैं, क्ले सॉइल्स एयरेशन में पुअर हैं, लेकिन वाटर भी होल्ड कर पाएंगे ये, क्योंकि स्पेस कम है पार्टिकल्स के बीच में, तो डेफिनेटली वाटर कैन बी हेल्ड टुगेदर, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि क्ले सॉइल्स के अंदर एयर कम है लेकिन वाटर जो है वो ज्यादा वो होल्ड कर सकता है। ये एज इट इज मैंने एनसीईआरटी में से कॉपी पेस्ट करके डाली है लाइंस। ऑलराइट, उसके बाद सबसे अच्छा जो टॉप सॉइल कंसीडर होता है वो लोमी होता है, क्योंकि लोमी सॉइल जो है इसके अंदर सैंड, क्ले और सिल्ट का मिक्सचर। सिल्ट क्या होता है आपका, जो आपकी नदियों की मिट्टी होती है, जो रिवर बेड्स के डिपॉजिट्स होते हैं। नाउ जो साइज होता है सिल्ट का वो सैंड और क्ले के बीच में होता है। नाउ क्योंकि ना इसका साइज इतना छोटा है क्ले जितना, कि उसके अंदर एयरेशन ना हो,
ना ही इतना ज्यादा है कि सैंड कितना कि उसके अंदर कंप्लीट जो है वो पानी जो है लीच हो जाए, तो दैट इज वाई इट इज आइडियल, ठीक है, क्योंकि ये राइट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एयर को होल्ड कर पाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो बेस्ट होती है लोमी सॉइल्स के अंदर, ठीक है। डेफिनेटली अगेन मेंस के अंदर आपको जितनी क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़नी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन फेज टू में आ जाते हैं, उसी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आगे के पेपरों में भी आ जाते हैं, ठीक है जी। चलिए, सो दिस वॉज इट गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी के जो बचे हुए इस इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है नेक्स्ट में, उसी तरीके से मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन भी दो वीडियोज के अंदर करेंगे, तो टोटल चार वीडियोज में आपके एआरडी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस इसके अंदर होंगे। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई शंका हो, कोई दिक्कत हो, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना यार अगर अच्छी लगी हो, शेयर कर देना, एंड डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।